मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं आर सेलेस्टियल नेबर्स यानी हमारे खगोलीय पड़ोसी, जहाँ हम आपको कराते हैं अंतरिक्ष की सैर। आज हम आधे से ज्यादा सफर तय करके पहुँच गए हैं ग्रहों के सम्राट बृहस्पति तक। दूर से नजर डालें तो हमारे छोटे से सौर मंडल की सीमाओं के पार अंतरिक्ष के भीतरी हिस्से आज भी अविश्वसनीय गूढ़ पहेली हैं। महाबली हरकुलिस की तरह मानव के अथक और अविराम प्रयास के बावजूद अब भी अजाने और अनाविष्कृत हैं। यहाँ अंतरिक्ष के विराट विस्तार में हम अभी भी सितारों के महाद्वीपों की माप जोक और जांच परीक्षण में ही जुटे हैं। रात दर रात सदियों पुराने सपने का ही लालन पालन कर रहे हैं। प्राचीन सितारों के तीखे प्रकाश की आड़ में छिपे अतिरिक्त सौर की जलमग्न दुनिया आविष्कार करने का सपना, उसे जीत लेने का सपना। अंतरिक्ष के रहस्य जान लेने की अदम्य चाह ने मानव मात्र को माँ पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति को बार बार तोड़ने को उकसाया है। सौर मंडल की उन सीमाओं पर आघात करने को बार बार विवश करती रही है। अबुझ है यह प्यास, अथक है यह तलाश। यह प्यास, यह तलाश इतनी अधिक है कि आज मंगल ग्रह पर उतरना हकीकत से बस एक कदम दूर है। ग्रहों के निर्विवाद सम्राट बृहस्पति के साम्राज्य का हम पता लगा चुके हैं। इसके लिए अपने शक्तिशाली अंतरिक्ष ऑर्बिटर को असंख्य धन्यवाद। सन 1980 को वॉयजर ने बृहस्पति ग्रह में मौजूद वलयों का पता लगाया। जब वॉयजर 2 बृहस्पति के करीब से गुजरा था, उसने इन वलयों के बारे में और अधिक जांच परीक्षण किया। बृहस्पति का यह वलय 3 हिस्सों में है। मुख्य छल्ला है जो बृहस्पति के काफी करीब चक्कर लगाता है। इसके अलावा एक और चौड़ा सा छल्ला गोसेमर है जो बृहस्पति से दूर फैला हुआ है। यह है हेलोरिंग, धुंधला सा और चौड़ा सा वलय है जो डोनट के आकार का है और इसका बाहरी किनारा मुख्य वलय में घुल मिल गया है। एड्रास्टी और मेटिस मुख्य वलय के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं और इस वलय में शायद यही धूल के स्रोत हैं। गोसेमर वलय एमेल्थिया और थिबे से टूटकर बिखरे हुए टुकड़ों के अति छोटे छोटे कणों से निर्मित हैं। सन 1995 की दिसंबर में बृहस्पति के विनाश रूपी वायुमंडल की परख करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली प्रोब गैलीलियो ऑर्बिटर ने अलग किया। बृहस्पति के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पर मानव निर्मित यान ने 17,600 किलोमीटर प्रति घंटे की सर्वोच्च प्रभावी रफ्तार से आघात किया। इसके बाद यह परीक्षक यान अपना मूल पैराशूट खोलकर काफी नीचे की तरफ तैरते हुए उतरने लगा। यान में मौजूद उपकरणों ने पहली बार बृहस्पति के रासायनिक मिश्रण का सीधे सीधे परीक्षण किया। हमारे समर्पित अंतरिक्ष ऑर्बिटर्स ने बृहस्पति की चारों ओर परिक्रमा करते हुए उपग्रहों के जश्न का भी नजारा किया। इसके अलावा उसने बर्फीले उपग्रह के भी दर्शन किए जिनके जमे हुए बर्फ तले कभी तरल सागर लहराया करते थे। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो इतनी तेजी से घूमता है कि वहां का एक दिन हमारे आधे दिन से भी छोटा होता है। अपनी धुरी पर घूमने के लिए वो 10 घंटे लगाता है, लेकिन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में उसे लगभग
12 साल लग जाते हैं। आईओ चारों गैलीलियन उपग्रहों में सबसे भीतरी हिस्सा है। सन 1979 में जब परीक्षक अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 ने आईओ की पहली तस्वीर भेजी, हमें ज्ञात हुआ कि वहां का धरातल अपेक्षाकृत जवान है और जो सघन आग्नेय क्रियाकलाप द्वारा निर्मित है, और वहां ज्वालामुखी से बने गड्ढों का कोई नामो निशान तक नहीं था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्वालामुखी बड़े परिमाण में गंधक संबंध सामग्रियां उगलते हैं और इन सामग्रियों से आईओ का समूचा क्षेत्र ढका हुआ है। आईओ के धरातल की रंग प्रकृति विविध किस्म के रंग झलकाती है और यहाँ का भिन्न भिन्न तापमान गंधक धातु को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करता है। अंतरिक्ष के धरातल पर गर्म पानी के झरने जैसा विस्फोट होता रहता है और ये विस्फोट सैकड़ों किलोमीटर तक धूल और गैस उगलते रहते हैं। ये सारी धूल और गैस उड़ते उड़ते छतरी की आकृति ले लेते हैं और जमीन पर आ गिरते हैं। सन 1999 की अक्टूबर में अंतरिक्ष यान गैलीलियो सफलतापूर्वक बृहस्पति के उपग्रह आईओ के ऊपर से सनसनाकर निकल गया और 611 किलोमीटर की नजदीकी से उसने इस पर नजर डालकर इसे झांक भी लिया। यह किसी अंतरिक्ष यान का आईओ से सबसे नजदीकी साक्षात्कार था। गैलीलियो के कैमरे ने उस संक्षिप्त मिलन की तस्वीरें भी ले ली और यान 1995 के बाद आईओ टॉरस के बिल्कुल भीतरी हिस्से में भी पहुंच गया। यह टॉरस चार्ज्ड अणुओं का विशालकाय डोनट है जो ज्वालामुखी से निकले हुए कणों से बना है। टॉरस आकार में आईओ कक्ष के व्यास जितना है और 844,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह बृहस्पति के चुंबकीय परिवेश पर बेहद महत्वपूर्ण और गहरा प्रभाव डालता है। आईओ जब अपने चुंबकीय प्लाज्मा टॉरस के साथ बृहस्पति की चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसके जरिए आईओ और बृहस्पति के बीच एक जबरदस्त विद्युत करंट प्रभावित होता है। इसमें लगभग 2 ट्रिलियन वॉट की विद्युत शक्ति होती है और यह सौरमंडल में शायद सबसे विराट डीसी विद्युत सर्किट है। असल में आईओ भयावह ज्वालामुखियों से थरथराता रहता है, मानो वह घुसपैठियों को अपनी सीमा में घुसने से रोकता रहता है। आखिरकार इस घुसपैठिए गैलीलियो ऑर्बिटर को रोका नहीं जा सका। सन 1999 की नवंबर में इस अंतरिक्ष यान ने आईओ के पिलान पटेरा ज्वालामुखी के नीली गंधक के ढेरों के करीब से साहसिक उड़ान भरी। गैलीलियो ने इस अभियान में काफी कुछ सीखा। उसे पता चला कि पिलान पटेरा के लावे की वजह से यहाँ का तापमान 1700 डिग्री केल्विन का भी आंकड़ा पार कर जाता है। आईओ का ज्वालामुखी विस्फोट बृहस्पति के प्रचंड गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। इसके अलावा आईओ के पड़ोसी उपग्रहों यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमिड के गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव भी इन विस्फोटों की वजह है। इसकी बढ़ती घटती शक्ति की वजह से लगातार टकराव होता रहता है और आईओ में प्रचंड ताप और दबाव की सृष्टि होती रहती है। इसकी पपड़ियों में टूट फूट की वजह से चितकबरी सामग्रियां और गैस का अंबार लगा हुआ है और ये धरातल पर विस्फोट करते रहते हैं। माना जाता है कि आईओ का भीतरी हिस्सा आयरन और आयरन सल्फाइड से निर्मित है। इस भीतरी हिस्से के आसपास चारों तरफ आंशिक रूप में पिछलती हुई गर्म चट्टानों का आवरण पड़ा हुआ है जो अपेक्षाकृत चट्टानी पपड़ी की पतली परत से ढका हुआ है। आईओ के पार यूरोपा बृहस्पति का अनोखा उपग्रह है जो सैकड़ों वर्षों से वैज्ञानिकों को बेतरह आकर्षित करता रहा है। सभी गैलीलियन सैटेलाइट की तरह
यूरोपा भी ज्वारभाटा की डोर के जरिए बृहस्पति से कसकर जुड़ा हुआ है। सैटेलाइट का एक गोलार्ध लगातार इस ग्रह की तरफ अभिमुख रहता है। यह सौरमंडल में सबसे चिकना खगोलीय पदार्थ है। ज्यादातर सैटेलाइट का धरातल समतल है और यह ऊंचाई में 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। हमारे ऑर्बिट अंतरिक्ष यान ने यहाँ कहीं कहीं चितकबरे, बादामी और भूरे रंग की छोटी छोटी पहाड़ियां भी देखी। यूरोपा के विस्तृत चिकने मैदान आड़े तिरछे फैले हुए हैं और इस पर ढेरों दरारें पड़ी हुई हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी, कुछ एक सीधी दरारें। इस बर्फीले उपग्रह के भीतरी भाग में आयरन और निकेल जैसे धातु भरे हुए हैं और ये चारों तरफ से चट्टान की कवच में लिपटा हुआ है। यह चट्टानी पर बर्फ या तरल रूप में पानी के आवरण से घिरा हुआ है। सन 1999 की नवंबर में गैलीलियो ऑर्बिट ने यूरोपा का सामना किया, जो बृहस्पति का चौथा विशालतम सैटेलाइट है, और इसने आश्चर्यजनक जानकारी दी। यूरोपा का वायुमंडल काफी हल्का फुल्का है। यह वायुमंडल उस वक्त निर्मित हुआ जब बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में तेज गतिमान मॉलिक्यूल्स यूरोपा के धरातल से जा टकराए और इसने एक जल मॉलिक्यूल पर जबरदस्त प्रहार किया। यूरोपा के वायुमंडल में छिपे हुए मॉलिक्यूल्स बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में डोनट के आकार का टॉरस निर्माण करते हैं। गैलीलियो द्वारा भेजी गई तस्वीरें यह बताती हैं कि मुमकिन है कि 10 किलोमीटर तक घने बर्फ की परतों के नीचे तरल जल का सागर लहरा रहा हो। यह भी मुमकिन है कि इस महासागर का तरल जल नमकीन हो। यह एक कल्पना भर है। अब सौर मंडल में मौजूद पदार्थों की संक्षिप्त सूची में शामिल महासागर के बारे में हमारे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट को अधिक अध्ययन करना है। बृहस्पति के उपग्रह आयो पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन बृहस्पति और अन्य उपग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से बनने वाले दबाव के कारण इसके अंदर बहुत ही गर्म ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जिनसे निकलने वाले लावे का तापमान बहुत ज्यादा होता है। आयो पर 300 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिससे निकलने वाला लावा 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक उफनते हुए निकलता है। है ना आश्चर्य की बात? अब गैनीमिड के बारी आती है। गैनीमिड बृहस्पति का विशालतम उपग्रह है, जिसका व्यास है 5262 किलोमीटर। इसका व्यास बुध के व्यास से बड़ा है, लेकिन द्रव्यों का ढेर इससे आधा है। गैनीमिड की बनावट त्रिस्तरीय है। इसका भीतरी हिस्सा थोड़े बहुत पिघले आयरन या गंधक से बना है, जो एक चट्टानी सिलिकेट मेंटल से घिरा हुआ है, और इसके शिखर पर शोभित है बर्फीला मुकुट। गैनीमिड भूखंड का भौगोलिक इतिहास जटिल है। इसमें पर्वत हैं, घाटियां हैं, ज्वालामुखी और लावा की बहती धाराएं हैं। इसके धरातल का रंग कहीं गहरा और कहीं हल्का है। गहरे रंग वाले क्षेत्रों में छोटे बड़े गड्ढों की भरमार है, जो इसकी प्राचीनता का सूचक है। उजाले के क्षेत्र कोई और ही नजारा पेश करते हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और नालों पर नालों की कतारें भी हैं, और इसमें 100 मीटर तक लंबाई के बिछे स्थान भी मौजूद हैं। अब कैलिस्टो की बारी। बृहस्पति का ये दूसरा विशालतम उपग्रह बिल्कुल बर्फीला, गहरे रंगों वाला, निम्न घनत्व वाला बाहरी उपग्रह है। साइज में यह कमोबेश बुध जितना ही है, जिसका व्यास है 4800 किलोमीटर, और यह बृहस्पति के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करने में 16.7 दिन लगाता है।
गैलीलियो अंतरिक्ष यान में स्थित मैग्नेटोमीटर ने हाल ही में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कैलिस्टो में बहुत संभव है कि इन बर्फीली सतह के नीचे तरल जल का गहरा सागर हो। विशालतम संख्या में अपने ज्वालामुखियों के साथ कैलिस्टो सौर मंडल में स्थित अन्य चट्टानी उपग्रहों से काफी अलग अलग है। कैलिस्टो में कोई पहाड़ नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों का विश्वास है कि यह इसके बर्फीले क्षेत्र में लगातार रीसरफेसिंग का नतीजा है। गैलीलियो मिशन के दौरान बृहस्पति के वायुमंडल में विद्यमान गहन विकिरण ने गैलीलियो के कंप्यूटर सर्किटों को काफी नुकसान पहुंचाया। अंतरिक्ष यान में लगे सारे कंप्यूटर्स बिल्कुल नाकाम हो गए। यूरोपा की टक्कर से बचाने के लिए गैलीलियो का अंतिम विनाश तो बेहद नाटकीय था। सन 2003 की 21 सितंबर को गैलीलियो बृहस्पति के वायुमंडल के अतिशय दबाव का शिकार होकर एकदम से गिरकर धराशायी हो गया। जैसे ही वह जोवियन नामक वायुमंडल से टकराया, गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया और गैलीलियो के ध्वंसावशेष बृहस्पति के धरातल तक पहुंचते इससे पहले ही वे भाप बनकर उड़ गए। इस तरह गैलीलियो शहीद हो गया, मगर विजय उसी के नाम रही। यूरोपा उपग्रह संभावित बर्फीले आवरण तले नमकीन सागर है। अपने इस महत्वपूर्ण आविष्कार का बचाव करने में वह सफल रहा, जो हमारे अपने ग्रह में मौजूद नमकीन सागर जैसा है, जहां करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले अभेद्य सूर्य किरणों के पार नन्हे नन्हे जीव विकसित हो उठे और फलने फूलने लगे। एक नमकीन सागर जो जीवन के लिए अनिवार्य है। सन 2018 का समय, अपने अंतरिक्ष यान में एक विद्युत प्रोपल्शन प्रणाली को शक्तिशाली बनाने के लिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर समेत जुपिटर आईसी मून ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान उस जोवियन नामक बर्फीले उपग्रह पर हमला बोलने के लिए अपनी 6 वर्षों की यात्रा पर निकलने को बिल्कुल तैयार है। जैसे ही यह पृथ्वी के कक्ष से बाहर होगा, जीवो अपना ताप विकिरणकारी पैनल उन्मुक्त कर देगा, जो इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि इस अंतरिक्ष यान का अतिशय गर्म होने से बचाव होता रहेगा। अब जीमो एक पूर्व निर्धारित राह पर चलता रहेगा, अनंत रातों की राह। जोवियन कक्ष में प्रवेश करते ही जीमो कैलिस्टो और गैनीमेड का बेहद नजदीक से अध्ययन करेगा। अच्छा, ये जोवियन उपग्रह आखिर किन पदार्थों से बना है? इसका इतिहास क्या है? क्या उनमें जीवन धारण करने की क्षमता है? यूरोपा उसकी आखिरी मंजिल है, जो हमें आवाजें दे रही है, और यहाँ हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य क्या होगा? बर्फ के धरातल तले कैद नमकीन पानी के विशाल महासागरों का अध्ययन करना। माँ यूरोपा क्या विदेशी शिशु जीवों को अपनी गोद में लेकर दुलारती रहती है, बड़े जतन से उसका लालन पालन करती है? वे जीव जो अभी पल बढ़कर विकसित हो रहे हैं, हमारी साधारण समझ से परे मुमकिन है कि इस चिरंतन कॉस्मोस की विराटता में अनन्य किस्म का जीवन मौजूद हो। अब तक हमने एक छोटे से जलमय नीले ग्रह में जिंदगी के स्वर सुने हैं, जो अनंतता और नित्यता के बीच कहीं गुम हो गया है। लेकिन अब अपने घरेलू ग्रह से बाहर किए गए असंख्य सफर ने हमें सदा अतिशय सतर्क रहने को आगाह किया है कि हम उन अनन्य अनसुनी आवाजों को सुने जो इस विराट ब्रह्मांड के दृश्यमान में छुपा हुआ है। आयो उपग्रह पर बहुत गर्म और बहुत ठंडे तापमान बस कुछ ही मीटर की दूरी पर मिल जाते हैं, एक तरफ उबलता हुआ और दूसरी तरफ -100 डिग्री सेल्सियस तक जमा देने वाला तापमान। इस बारे में और जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। We'll be right back.
आयो उपग्रह के ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा लगभग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। ऐसे में जहां ये गर्म लावा ठंडे तापमान से जाकर मिल जाता है, वहां 400 किलोमीटर ऊंचे फवारे उठ जाते हैं जो इस उपग्रह पर एक अजीब सा दृश्य पैदा कर देते हैं। अरे, इन रोचक बातों में मैं तो ये भूल ही गई कि अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको मिला रहे हैं धरती के एक रक्षक से। बीटल यानी गुबरीले इस दुनिया के सबसे सख्त जान जीवों में से एक हैं, और डंग बीटल तो इनमें भी सबसे लचीला और मजबूत होता है। डंग बीटल एक दूसरे पर निर्भर होने की एक बेहतरीन मिसाल है। ये रेगिस्तान में सिर्फ ऊंट के गोबर की वजह से ही जिंदा रह पाता है। ये बीटल ऊंट के गोबर की गंध को 3 किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। ये गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें मिट्टी में दबा देता है। इसके बाद ये इस नम गोबर में अपने अंडे देता है। सड़ता हुआ गोबर अंडों को पनपने के लिए गर्मी और नमी देता है, और साथ ही इसके बच्चों को पेट भरने के लिए आहार। गोबर को जमीन में दबाकर डंग बीटल रेत में पोषक तत्वों को गहराई तक पहुंचा देता है, जिससे रेगिस्तानी जमीन उपजाऊ हो जाती है और उन पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं जिन्हें ऊंट खाता है। आज वैज्ञानिक 4 करोड़ वर्ष पुराने इस जीव की उस खास भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं जो ये एड्स पर शोध और हृदय प्रत्यारोपण के मामले में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के सिलसिले में निभाने वाला है। ऊंटों की आबादी में कमी और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल की वजह से ये जीव विलुप्त होता जा रहा है। बिना डंग बीटल्स के इस पृथ्वी से प्रकृति का एक बेहद छोटा लेकिन रेगिस्तान का एक सबसे प्रभावी रिसाइकलिंग एजेंट गायब हो जाएगा, जो सदियों से रेगिस्तान के पौधों को पालता पोसता आया है। अब हम आपसे पूछते हैं हमारा आज का सवाल, लेकिन पहले जान लेते हैं कि पिछले कॉन्टेस्ट का रिजल्ट क्या निकला। कॉन्टेस्ट नंबर 4 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है, और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम हैं: महाराष्ट्र से प्रशांत तुलसीराम जी, पश्चिम बंगाल से सीमा भारद्वाज, मध्य प्रदेश से मोनिका गुप्ता, महाराष्ट्र से सुहास कमलकर और पंजाब से अमृतपाल सिंह। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? ए कैलिस्टो, बी यूरोपा या सी गैनीमिडी। इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमारे पते पर जरूर भेजिए, या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उठाइए पेन और लिख भेजिए अपनी प्रतिक्रिया। आपके सुझावों का स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपने अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे शनि ग्रह की सैर पर।